बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को चंद चीज़ें करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान बना उस वक्त मेरी तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी। मैंने पाकिस्तान बनता देखा। पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे कायद मंदली जिना ने कोशिश की और पाकिस्तान हमारा वजूद में आ गया। पाकिस्तान वजूद में होने के बाद हमारा इलाका हिंदुस्तान में चला गया। जब हम हिंदुस्तान में हमें खबर पहुंची कि आप यहां से आपको निकाला जाएगा, हम लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन हम भी परेशान थे, लेकिन हमको हिंदुस्तान की फौज ने आकर निकालना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान के गुंडे उनके साथ थे। वो हमारे हम घर से निकलने शुरू किया और काफ़ी की सूरत में चलने लगे। गुंडों ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया और हमले के बाद बहुत से औरतें, बहुत से बच्चे जो उन्होंने खंजरों और नीजों की अन्नियों पे लटकाने शुरू कर दिए और खून का दरिया बहना शुरू हो गया। हम बड़े परेशान थे, लेकिन हम चलते तो रहे, लेकिन औरतों को उन्होंने खींचना शुरू किया, बेइज्जती शुरू की। हम हमारे कुत्ते चलते चलते पाकिस्तान में पहुंचे। उस वक्त मेरी उम्र 12-13 साल की थी। मैंने रास्ते में वो मंजर देखे जो आपको बयान करने के काबिल नहीं है। अब हम पाकिस्तान में पहुंचे और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद मेरी ये नसीहत है कि आप पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए पूरी कोशिश करें। दूसरा मसला है कश्मीर का। कश्मीर भी मुसलमानों का है, लेकिन वो उस पर हिंदुस्तान ने काबिज हो चुका है। तो उसमें बहुत ही जुल्म सुत्म हो रहे हैं। उसमें हिंदुस्तान अपने फौजी उतार रहा है। पहले भी काफ़ी लाखों के हिसाब से उसमें फौज हिंदुस्तान की है, लेकिन अब वो हवाई जहाज़ों के लिए उसमें फौज उतार रहा है। इस वास्ते मैं आपको निश्चित करता हूँ कि आप हिंदुस्तान के लिए तरह तरह के तहरीरी या ज़ुबानी बोल के उनको इस तरीके की वजाहत करें कि कश्मीर आज़ाद किया जाए। कश्मीर गुजार कराने के लिए पाकिस्तान हर बच्चे और हर औरत के लिए फ़र्ज़ है कि उसके के लिए जो भी वो कर सकता है वो करे। इस वास्ते बाहर के मुल्कों से भी, गैर मुल्कों से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का कश्मीर को आज़ाद कर दो। अमेरिका भी ये कह रहा है कि आप हिंदुस्तान को कश्मीर को आज़ाद कर दो। हमारे भी कोशिश यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दे। वो लोग बहुत ही, उनका बहुत बुरा हाल है, उनका कोई पूछता नहीं है, बहुत ही वह परेशान है। इस बात से आप दुआ करें और जो कुछ कर सकते हैं तहरीरी तौर पर, ज़बानी तौर पर जो भी कर सकते हैं वो करें। इस बात है।